सो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है? तुम्हें देख के आइडिया लगी होगा कि क्या होने वाला है। फाइनली ये चीज आ गई है। एंड आई थिंक जब भी किसी के 100 की होते हैं, 100 के एकदम मार्क टच होता है, तो सबसे पहले जो थॉट आता है वो आता है सिल्वर प्ले बटन का। मतलब जब मेरे भी 100 की होते तो सब लोग मुझे ये कह रहे थे तेरा सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा, बढ़िया सिल्वर प्ले बटन कहाँ लगाएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, जो मुझे खुद नहीं पता था। मैं खुद इस चीज में नूब हूँ, पहली बार 100 के हुए तो मुझे भी नहीं पता था। मुझे था कि हाँ आएगा, देखेंगे। अंदर अंदर मैं चाह रहा था कि फटाफट जल्दी आ जाए। बट सीरियसली इसकी जो टाइमिंग थी, मैं शायद पहला से यूट्यूबर हूँ जिसका जब सिल्वर प्ले बटन आया तब वो उतना खुश नहीं हुआ। मतलब जितना उसको होना चाहिए उतना वो खुश नहीं हुआ। एंड इसका मेन रीजन ये था कि जब ये आने वाला था तो उसके एक दो हफ्ते या 10 दिन पहले मुझे पता चल गया था कि ये आ जाएगा मुझे हफ्ते या 10 दिन बाद। सो मेरे घर वाले कहीं जा रहे थे, कई जगह जा रहे थे, मंदिर वगैरह, वो चाह रहे थे कि मैं भी उनके साथ आऊं। और मैं उनको स्टार्टिंग में चाह नहीं रहा था बताना कि यार सिल्वर प्ले बटन आए, क्योंकि वो भी ऑब्वियसली उनके लिए भी बहुत बड़ी बात थी। वो एक्साइटेड थे काफी ये सिल्वर प्ले बटन आने वाला है। सो मैं एंड तक सोच रहा था कि ये बोलूं वो बोलूं, मैंने एंड तक उनको बता नहीं रहा था। बट फिर जैसे ही उन्होंने बिल्कुल वो कन्विंस नहीं हो रहे थे, वो बिल्कुल जिद पे आ गए, कस्में वादे करने लगे, तो मैंने उनको फाइनली बताया कि देखो सिल्वर प्ले बटन आने वाला है और एक ही बार आता है, इसके बाद अगर आएगा तो गोल्ड आएगा। बट अभी तो सिल्वर प्ले बटन पहली बार आ रहा है, तो प्लीज रिस्क नहीं लेते यार। अभी मैं चाहता नहीं कि आए और मैं हूं ना घर पे, मतलब मैं रिस्क लेना चाहता था। बट फिर सैटरडे की रात को उनको जाना था, वो एंड तक कन्विंस हो गए थे। जब सिल्वर प्ले बटन का नाम आया तो मेरे पापा तो थे ही, मुझे पता था कि कोई माने ना माने सिल्वर प्ले बटन के नाम पे पापा तो मान ही जाएंगे मेरे। सो सैटरडे शाम को वो निकल ही रहे थे, उनके निकलने से आधे घंटे पहले मेरा सिल्वर प्ले बटन आ गया। और भाई वो तो खुश, और थोड़ा खुश तो मैं भी था, पर मुझे था कि अब जाना पड़ेगा। फिर वही है कि घर पे रखा था, ओपन भी नहीं कर सकते। पापा कह रहे चल इसको ओपन करके निकलते हैं, तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं निकल तो रहा हूँ, पर इसको घर पे रखते हैं आके आराम से। मैं चाहता था कि प्रॉपर इसको शूट वूट करूँ, अनबॉक्सिंग मेरा करूँ। बट फिर हम जब वहां से आए तो मेरे काफी ज्यादा काम पेंडिंग से हो गए। मुझे था कि यार ये बच गया वो बच गया। हम आए थे ट्यूजडे को, रात ही मेरे दिमाग में बहुत सारा प्रेशर चढ़ गया, बहुत सारा मैं वो हो गया ओवरवेल्म। एक मेरी जो चीज है क्वालिटी, तो क्या बोलेंगे, मेरी जो चीज है कि मैं जब तक गिल्ट में होता हूँ एक चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, या वो काम मुझे करना है और मैं कंप्लीट नहीं करता, तो मैं बाकी काम कोई कर नहीं सकता। खासकर सेलिब्रेशन वगैरह तो मेरे को नहीं होता। मुझे था कि भाई तूने अपने काम ही निपटाया और तू खुशी खुशी अनबॉक्सिंग करेगा, मतलब वो खुशी कैसे लाएगा जब तू ऑलरेडी गिल्ट में हो रहा होगा कि भाई तू उसको डिजर्व करता भी या नहीं, काम तो तू अपने पेंडिंग कर रहा है। वही है कि मैं चाह रहा था कि पहले मैं अपने वो काम निपटा दूं एंड फिर प्रॉपर एकदम खुशी खुशी अनबॉक्सिंग करूं कि नाउ आई डिजर्व दिस शिट। मतलब बड़ा स्टूपिड साउंड करे, पर हाँ यही सीन था कि मेरे सामने वाली डेस्क भी रखा हुआ था जब मैं काम कर रहा था बैठ के, क्योंकि मेरे को ये था कि ये टाइप का ये मोटिवेटिंग फैक्टर है कि भाई फटाफट अपने सारे काम निपटा ताकि तू बाद में इसको एक, ये तेरा एक प्राइज है जो लिटरली प्राइज ही है। फाइनली अब मैं मेंटली थोड़ा ठीक हो गया हूँ एंड मुझे था कि हाँ अब मैं शांति से इसको अनबॉक्स कर सकता हूँ। एंड ऐसे अनबॉक्स नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो एक्साइटेड था इसको अनबॉक्स करने के लिए, पर एक इंसान है जब भी अपने ऑफिस से आते थे हमेशा मुझे पूछते थे कि आज अनबॉक्स करेगा, कब करेगा, जल्दी कर ले भाई मुझे देखना है। मैं शायद एक पॉइंट पे मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो या अब मैं सोच रहा हूँ कि इनके साथ मिलके ही कर लें अनबॉक्सिंग। वो इंसान है मेरे पापा एंड या आज तो मैं भी उनसे मिला दूंगा। एंड अगर भाई मैं नर्वस हुआ वो नर्वस हुए तो भाई समझ जाना यार, थोड़े भाई नो बंदे हम यार, समझा करो। सला चलो चलते हैं, बड़े खुश हो जाएंगे आज को फाइनली जब बोलूंगा कि अपन अनबॉक्स करने वाले फाइनली। चलो साथ में मिलकर अनबॉक्स करेंगे, आ जाओ। कैसे मैं ये क्या आ जाओ, टिपिकल। चल करना बोलना, क्या है क्या करना है? स्टार्ट कर यार, मारूंगा तेरे कान पे। कैसे बोलेगी तो स्टार्ट, आपको पता है। तो चलो फाइनली स्टार्ट हो गया। नर्वसनेस हो रही है। नर्वस क्यों हो रहे हो, अपने बच्चे हैं सारे। चलो फाइनली हम अनबॉक्स करने वाले हैं। अभी 10-15 मिनट तो पापा किसी में लग गए मेकअप में, तब दिमाग खराब है। तो ये आ गया हमारा सिल्वर प्ले बटन, और इसको मैं पहले अनबॉक्स कर लेता। बट ये कि हमारे घर का जो मेन यूट्यूबर है, तुम्हें लगता होगा इस घर का मेन यूट्यूबर मैं हूँ, पर हमारे घर के जो मेन यूट्यूबर हैं वो हैं मिस्टर विपिन कुमार ढंडरियाल। वो भी तुम्हें आगे चल के पता चल जाएगा अगर दिखाऊंगा तो। बट या मैंने सोचा कि पापा के साथ ही अनबॉक्स करेंगे एंड आप ही करो। चलो लगेगा कितना अच्छा बंदा हूँ पापा से करवा रहे। वो ले आओ वो असिस्टेंट असिस्टेंट चाकू लो। चलो चलो करो करो स्टार्ट। तू कर, नहीं आप ही करो। एक तू, मैं काटूंगा, एक तू काटियो। अब वैसे इतने टाइम से जो कह रहे थे कि बाबर कब अनबॉक्स करेगा तो आपको इतना क्या एक्साइटमेंट था सिल्वर प्ले बटन का? अरे हमारा पहली बार सुनते थे लोगों के, देखते थे सिल्वर प्ले बटन आ रहे हैं, लोगों के वीडियो में देखते रहते थे, तो अब आया तो फिर देखना था ना भाई। ओपन हमारे पुत्र का आया। करो नोट्स। अब लग रहा है इतने टाइम से फील नहीं आ रही थी ना सिल्वर प्ले बटन आ गया। ये दिख रहा है क्या व्यू? ओ बेटे, ओ बेटे की जान। ये सामने पड़ा पड़ा बड़ा अजीब सा लग रहा है। आदर्श टंड्रियाल, वेरी गुड। आदर्श नहीं है।
अभी को इसको पहले इसको तो देख लो, ये क्या है इसको, अरे हटा रहा उसको, साइड हटा। अरे ये भी तो पढ़ो, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। इससे पापा की शक्ल तो दिख रही है, पापा की शक्ल ये सिल्वर प्ले बटन पकड़ो जी, आपकी अमानत है। पहले आप ले लो, पूरी फील ले लो, मैं तो कर लेता रहूंगा। सही है, मेरे को हमेशा ना ये टच करके देखना था कि ये साला ट्रांसपेरेंट है या ये अलग से है, समझ रहे हो? मुझे लगता है इसके ऊपर एक ग्लास वाली लेयर है, अलग से है। वह सिल्वर फ्लेम बटन। डू यू रिमेम्बर अ फर्स्ट सब्सक्राइबर, योर 100, योर 1000, इतना सब मैं पढ़ने नहीं वाला, पर थैंक यू सुजैन। ये पढ़ना क्या लिखा है, सुजैन वकाउस्की सीईओ यूट्यूब। भैया कौन है सुजैन वोजस्की, वेरी पॉपुलर है मैम। और क्या लिखा है, देखिए गाइस गोल्ड भी है, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड ही आएगा अभी तो, गोल्ड आएगा, हाँ आएगा, ठीक है। इसके लिए इतना पागल होती है दुनिया, ओए पर लग रहा है बिल्कुल फिनिशिंग तो ऐसे मिल गया, बगैर मेहनत के मिल गया तेरे को। अभी कर रहा है रूम में जाके, जब कोई नहीं अकेले रूम में देखूंगा अभी रोएगा नहीं, मतलब अभी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा ना, अभी बहुत चीजें चल रही है, पर ये कि अपनी मम्मी को भी दिखा, नहीं नहीं ये मम्मी को नहीं दिखाती, अरे ये दिखा, अच्छा हाँ ये दिखा दो सिल्वर प्ले बटन आदर्श टंड रियल, लाने को दिखा सकते हैं, लाने को दिखा दी तो है तेरे की। ये सबसे पहले ये सबसे पहले नानी को ही बताया था मैंने क्या? कि ये सिल्वर प्ले बटन आने वाला है। आप हाँ, बताया आपको तो, आपको तो बाद में बताया था, हमारे लिए सस्पेंस रखा हुआ है आपके लिए, इसलिए ना कि ट्रिप में ले जा रहे थे तो मैं सोच रहा था कि नहीं बताऊंगा। बॉक्स भी संभाल के रखेंगे हैं, तो रखने की चीज है, ऐसे सिल्वर गोल्डन सारे बॉक्स संभाल के रखेंगे। अभी गोल्डन प्ले बटन आएगा, ऐसी आगे बढ़ते रहो, ऐसी वीडियो बनाते रहो, है अच्छी अच्छी बातें बताते रहो। नहीं पर आप YouTube पे पहले भी आना चाहते थे मेरे YouTube चैनल पे, अभी आने आपको लग रहा है परफेक्ट टाइमिंग है आपके YouTube पे आने की मेरे? ठीक है ठीक है, मैं खास ही मौके पे आना चाहता था, वो एक खास मौका आ गया, 1,00,000 सब्सक्राइबर हो तो मैंने कहा मैं अपनी एंट्री दे देता हूँ। बनी आपका तो प्लान था बहुत पहले आने का, पर वो ये कि मैं थोड़ा वो चाह रहा था, तूने मौका नहीं दिया हमारे को, नहीं तो हम तो आ जाते, कुछ स्पेशल पे आना चाहिए इंडिया। मैं पहले वैसे अकेले कर लेता, पर मुझे पता है कि मेरे से बड़े पापा यूट्यूबर है, तुम्हारे सारे कमेंट्स वगैरह सब व्यू वगैरह सब पापा देखते हैं, तो थोड़े कमेंट भी इसलिए थोड़ा वैसा कर लिया करो, और इस वीडियो में भी थोड़े ढंग के कमेंट करना कि पापा सारे कमेंट्स देखते हैं मुझे पता है, एंड बाद में देखें खुद इसके कमेंट्स तो मैं देखूंगा, इसमें मेरी एंट्री है ना, इसके सारे कमेंट्स देखूंगा मैं, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। पर या यही है सिल्वर बटन, वैसे इतना हैवी नहीं है, मुझे लगा था बड़ा हैवी सा होगा। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, ज़्यादा है हल्का भी और क्या वीडियो है, आपने सोचा वैसे इसको कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ लगाएगा? हाँ सोचा हुआ है, कहाँ? पीछे दीवार के, है ना वही ना, ट्यूबलाइट के नीचे, और बढ़िया मैं वहीं रिकॉर्ड करता हूँ, पीछे देखेगा वो आराम से। बस और क्या ही है इसमें, और क्या ही दिखा सकते हैं, अच्छा लग रहा है इसमें, हाँ मतलब हाँ मतलब जो वीडियो में देखते हैं टीवी में, अब लग रहा है अपने हाथ में यार, ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे भी था कि इतना बड़ा क्या होगा, पर वही जब ओपन करते हैं तब थोड़ा ज्यादा लगता है कि क्या है देखो, है क्योंकि बात है ना कि प्राइसलेस चीज है, समझ रहे हो, किसी को खरीद नहीं सकते, मेहनत से मिली गई चीज है, मतलब जब वो ऑर्डर भी हो रहा था उसमें लिखा था $0 करके लिखा था कि शिपिंग चार्ज $0, ये सब $0, तो मतलब ये एक लौती चीज है, मेहनत से मिलता है, ऐसे नहीं है जो ऐसे हम खरीद नहीं सकते। कुछ बढ़िया कुछ थंबनेल वगैरह ले ले, कुछ बढ़िया कुछ फोटो आ गया, उससे अच्छा थंबनेल आए वैसे, मैं तू वैसे मैं ऐसे कुछ ट्राई करो पोस्ट, पापा ने ऐसे मतलब भी किया है कुछ बीच में, अच्छा खुद ही शॉट दिए। थंबनेल की बड़ी कन्फ्यूजन हो गया, थंबनेल का क्या करूं, आपको आपको डालूं नहीं डालूं, सिर्फ 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 अपने को डालूं आपको डालूं, क्या करेंगे, किसको थंबनेल को भी डाल, और ना नहीं मुंह छुपा दियो पापा का ताकि लोग क्लिक करके देखें, भाइयों मुझे क्लिक बेट सिखा रही है, क्लिक बेट कैसे करते हैं, नहीं मैं क्लिक बेट नहीं करूंगा, या तो मैं ये क्लिक बेट क्या है, क्लिक बेट नहीं है ये। चलो फाइनली कर लिया हमने अनबॉक्स, एंड सही बता रहा हूँ मैं कितनी बार सोचता हूँ कि यार ये बड़ी चीज़ हो गई, ये भी कैजुअल है यार, ये नॉर्मल ही है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट वही है जब अनबॉक्सिंग की और वो जो हाथ में पकड़ा तो भाई फटी, भाई काफ़ी फटी, कभी का लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या सब हो रहा है, क्या लाइफ है, बड़ा वैसा सा लगता है कि यार ये रियल है क्या है, समझ नहीं आता कि जो बॉडी तुम्हारी कुछ चीज़ें प्रोसेस करने में टाइम लेती है, एंड जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं मैं ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ एंड समझ पा रहा हूँ। एंड हाँ यार आज फाइनली पापा को भी मैंने ऐसे ऑफिशियली दिखाया, एंड मैंने ऐसे उधर पापा से बैठ के बोला था कि पापा इस घर के सबसे मेरे से बड़े यूट्यूबर हैं, तो उसको बोलने के पीछे बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि भाई जब ये सिल्वर प्ले बटन आया था तो मुझे खुशी थी कि भाई मैं आएगा, मैं इसको अनबॉक्स करूंगा अपने रूम में से लगाऊंगा, हमेशा जब भी कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है उसका ये ड्रीम होता है, बट उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी थी कि जब ये आएगा तो पापा को मुझे पता था कि कितनी खुशी होने वाली है, पापा को कितनी एक्साइटमेंट होने वाली है, मतलब मुझे पता था कि मेरे से ज़्यादा ही होगी, उनको 100K टच हुए थे तो पापा ने भी सबसे पहले ही बोला था कि अब तो तेरा
सिल्वर प्ले बटन आएगा, जल्दी जल्दी आए तेरा सिल्वर प्ले बटन। एंड सही बता रहा हूँ, मुझे अपने ज्यादा ये था कि मुझे पता था कि उनको मुझसे ज्यादा खुशी होने वाली है, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले आया था कि मैं खुद अनबॉक्स कर लूँ अकेले, एकदम आइसोलेशन में एकदम बिल्कुल आराम से अकेले अनबॉक्स करूँ। पर फिर दिमाग में आया कि हटा भाई, ये वाला सिल्वर प्ले बटन स्पेशल है, मैं पापा के साथ ही करना चाहता था, क्योंकि पापा मेरी यूट्यूब जर्नी का बहुत 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 मेजर पार्ट रहे हैं। एंड इसके बहुत सारे रीज़न हैं उनके साथ अनबॉक्स करने के भी, एंड कुछ बताऊंगा कुछ नहीं बताऊंगा, देखेंगे जैसी वाइब होगी। बट हाँ भाई, पापा का यूट्यूब को लेके बहुत सपोर्ट रहा है। तुमने सुना होगा ना कि काफ़ी लोग कहते हैं, या मुझे भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, या कुछ के पेरेंट्स कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, यूट्यूब क्या है। बहुत अनरियल होगा कुछ के लिए सुनने में, बट मेरे पापा मेरे सबसे बड़े यूट्यूबर के सपोर्टर हैं। स्टार्ट करने से पहले भी वो कहते थे कि यूट्यूब तो स्टार्ट कर सकता है, तू कर सकता तू कर क्यों नहीं रहा। एंड जब चैनल स्टार्ट कर लिया तो हमेशा इंटरेस्ट दिखाना कि तेरी ये वीडियो कितनी गई, ये इसका कमेंट देखा मैंने। एंड इससे बड़ी बात यह कहूँ, मेरे पापा लिटरली अपने फ़ोन के ऐप में मेरे हर वन के, जब भी मेरा वन के मार्क टच होता है, जैसे 101 हो गया, 112 हो गया, तो वो हर वन के पे अपने फ़ोन के नोट्स के ऐप में अपना वो नोट डाउन करते हैं। मतलब पापा भी चीज़ें ट्रैक करते हैं, बट हाँ पापा हर चीज़ मेरे जो बड़ा कोई माइलस्टोन होता है, 1 मिलियन हो गई वीडियो, कोई 100 की वीडियो टच करगी, तो पापा के लिए शायद मेरे से भी ज़्यादा पापा इस चीज़ के लिए खुश होते हैं। जब से सिल्वर प्ले बटन आ रहा था और वो यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो मुझे एक हल्का ही टाइप का गिल्ट होता था कि मैं पापा को दिखा नहीं पा रहा, कि वो लिटरली रोज़ रात को अपने ऑफिस से आने के बाद बोलते थे आज अनबॉक्स करेगा, कब करेगा अनबॉक्स, जल्दी जल्दी अनबॉक्स कर ले, मुझे सारा सिल्वर प्ले बटन देखना है। बट वो ये कि उनको मुझे बताना भी नहीं था कि मैं आपके अकेले नहीं करूँगा, मैं आपके साथ ही अनबॉक्स करूँगा, क्योंकि सही बताऊँ मेरे लिए तो ये एक चेरी ऑन द केक है। मैं जर्नी के साथ बहुत अपने छोटे छोटे माइलस्टोन अचीव करके बहुत छोटे छोटे ड्रीम्स अचीव कर रहा हूँ, तो ये जो 100 के वाला सिल्वर प्ले बटन है मेरे लिए बड़ी बात है, पर ये एक चेरी ऑन द केक है। बट ये पापा के लिए मुझे पता है कि उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब मुझे पता है कि जब मैं यहाँ सोऊंगा तो पापा सुबह छपके से आएंगे, और फिर वो वहाँ सिल्वर प्ले बटन होगा तो वहाँ देखेंगे। एंड हाँ, ये सब बातें भाई ऐसे अकेली होती हैं, उन्हें आगे नहीं कर सकता, ऑब्वियसली ऑकवर्ड हो जाते। हाँ, बाद में देखेंगे ये वीडियो, खुश हो रहे हो, बट या ये रेफरेंस समझ ही होंगे जो पुराने हैं। एंड या मुझे ये वीडियो बनानी थी, क्योंकि हाँ भाई मैं मानता हूँ कि मुझे अपनी सारी स्पेशल मोमेंट और सारी मेमोरी तुमसे शेयर करनी चाहिए। एंड इस वीडियो को बनाने के पीछे भी मेन दो मेजर रीज़न थे। पहला रीज़न तो भाई सही बताऊँ थोड़ा एक सेल्फिश रीज़न था, कि मैं चाहता था कि ये वीडियो मेरे लिए और हम चारों के लिए हो, हमारी जो फैमिली है, मेरी मम्मी, मैं, मेरी बहन और मेरे पापा मेनली। मतलब कैसे बताऊँ, ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी प्राइवेट, कि हमेशा हमारी ये मोमेंट अब यूट्यूब पर कैप्चर्ड है, ये हमारी एक पर्सनल सी मोमेंट है, जो हमारी मोमेंट है, समझ रहे हो। बट हाँ, मुझे मेनली हम चारों के लिए रखनी थी ये, कि हमारी एक प्राइसलेस सी मोमेंट है, ये हमेशा यूट्यूब पे रहे। एंड मेन पहला रीज़न तो यही था। एंड सेकंड रीज़न है कि मैं तुम्हें, मेरी ऑडियंस जो हमारी कम्युनिटी है, उसके साथ ही चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई सबसे बड़ी बात मैं इससे बताना चाहता हूँ कि भाई कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आई नो बड़ा क्लीशे सी चीज़ है, बड़ी क्लीशे साउंड करती है, बट हाँ भाई जनरली कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ये सिल्वर प्ले बटन देखो यहाँ पड़ा हुआ है मेरे रूम में, मैं एक साल पहले सोच भी नहीं सकता था, तुम्हें पता नहीं कि एक दो साल पहले मैं किस माइंडसेट में था, क्या था, बड़ा भटका हुआ था, कुछ समझ नहीं आता था कैसी चीज़ें क्या होने वाली, कैसे करने वाली है। बट अगर कोई मुझे उस टाइम कहता कि एक साल बाद मेरे रूम में ऐसे ही सिल्वर प्ले बटन रखा होगा, तो भाई मैं तो बिलीव ही नहीं करता। बट हाँ, अब रखा है, मतलब हम कुछ नहीं कह सकते। कि तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कोई चीज़ तुम सोचते हो ना कि भाई ये तो फादर्स ऑफ ड्रीम्स है, कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है, भाई ये तो चीज़ हो नहीं सकती, भाई मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, या मैं ये चीज़ कर नहीं सकता, या इम्पॉसिबल है, जो भी है, हम खुद ब खुद रीज़न बनाना, बहुत सारे हम शिटी रीज़न देते हैं। शिटी रीज़न भी है, उस टाइम हमें लगता है भाई, मैं भी नहीं कहता कि एक साल बाद मैं इस पॉइंट पे होने वाला हूँ, मुझे भी नहीं पता एक साल बाद किस पॉइंट पे होने वाला हूँ। बट यार, इतना टाइम हो गया मुझे ये यूट्यूब वाली जर्नी करते हुए, तो मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई कि भाई अगर तुम प्रॉपर वर्क पुट इन करोगे तो तुम्हारी वो चीज़, वो तुम्हारा जो ड्रीम है, तुम्हारा गोल है, वो अचीव होगा ही होगा, उसको कोई चॉइस ही नहीं है भाई, उसको पूरा होना पड़ेगा। अगर तुम वो पूरा हार्ड वर्क दे रहे हो, सोने से पहले वो चीज़ सोच रहे हो, उठने के बाद वो चीज़ सोच रहे हो, तो हो नहीं सकता कि वो चीज़ इम्पॉसिबल है। सो यार, मैं बस तुम्हारे साथ ये चीज़ शेयर करना चाहता था कि 100 के हमने अचीव किए, सिल्वर प्ले बटन आ गया, मेरा आ गया सिल्वर प्ले बटन, मतलब मेरा एक सिल्वर प्ले बटन आ गया मेरे घर पे, मेरी वॉल पे भी यहाँ पे लगाऊंगा, मेरे यहाँ पे सिल्वर प्ले बटन रखा होगा। मतलब मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जस्ट वर्क फॉर इट, ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ तुम अचीव नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सही बता रहा हूँ भाई, मैं सिंपल बंदा हूँ, मेरा कंटेंट सिंपल है, मेरी चीज़ें सिंपल है, मतलब मेरा कोई ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि तुम बोलो हाँ भाई ये चीज़ इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो भाई ये चीज़ ये तो बॉर्न विद इट वाली चीज़ है। मतलब सारी चीज़ें सिंपल है, मेरा कंटेंट मैं जितना सिंपल रख सकता हूँ, सिंपल सी फिजिक है, आई थिंक पर्सनैलिटी भी सिंपल है, शक्ल नहीं है, शक्ल ठीक है, शक्ल तल सिंपल नहीं है, बट हाँ बट हाँ मेनली मेरी चीज़ें सिंपल ही हैं, एंड मैंने अपने कंटेंट को भी सिंपल रखा है, मैंने चीज़ें जो एक्सप्लेन करता हूँ उनको ट्राई करता हूँ सिंपल रखूँ। एंड या शायद ये सिंपलिसिटी मेरी शायद कहीं ना कहीं काम कर गई, या तुम्हें पसंद आई, या तुम इससे रिलेट कर पाए। बस या यही कहूँगा कि रियल रहो, एंड कहीं ना कहीं अपने गोल्स पे ध्यान दो, बट अपनी फैमिली को भी थोड़ा साथ लेके चलो, अपनी फैमिली के बारे में भी थोड़ा सोचो, क्योंकि भाई एट दी एंड ऑफ द डे ये वीडियो भी मैंने जब बनाई है तो प्राइमरी रीज़न मैंने बताया हमारी फैमिली के लिए, क्योंकि भाई
दे आर द रियल पीपल हु रियली डू गिव टू शिट्स अबाउट यू, समझ रहे हो तुम, कि उनको सही में फ़र्क पड़ता है, बाकी सारी फालतू बातें। एंड हाँ यार, रात के बज रहे हैं 11:30, ये टाइप का 3 AM सेशन वाली वाइब आ रही है। एंड हाँ, जस्ट वर्क फॉर इट। जब भी तुम कुछ कर रहे होगे किसी चीज़ के लिए, गोल्स के लिए कुछ वर्क कर रहे होगे, तुम्हारी उस टाइम फटरी होगी, तुम्हें लगेगा कि ये शायद वर्थ है भी या नहीं जिसके लिए मैं इतनी घिसा रहा हूँ, बट हाँ भाई वो वर्थ होगी भाई, प्लीज़ मान लो मेरी बात, वो वर्थ होगी। एंड तुम्हारा भाई हूँ मैं, तुम्हारे लिए कॉन्टेंट लाता रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच, मेनली कितनी बातें कर लूँ कि भाई हाँ भाई मैंने मेहनत की है, हाँ भाई लक है, पर भाई एट दी एंड ऑफ द डे मैं कितना भी काम कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, अगर तुम देखने वाली नहीं देखोगे तो भाई क्या ही कर लूँगा भाई, कंटेंट सभी अच्छा ला रहे हैं। एंड यार सिल्वर प्ले बटन है, अब तुम्हें वहाँ एक सिल्वर प्ले बटन दिखेगा, कल पापा कह रहे थे कि कल बंदे को बुलाएंगे, यहाँ पे लगवाएंगे। सो यार बस यही बोलूँगा यार, थैंक यू सो मच। चलो ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलता अगर।